जम्मू कश्मीर पुलिस की एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है ड्रग पेडलर्स के खिलाफ, और ये कार्रवाई जो है वो जिला डोडा में हुई है। जी, डोडा पुलिस ने जो है हस्बैंड वाइफ जो डोडा टाउन में ड्रग्स को फैलाने में जो है वो एम रोल अदा कर रहे थे, उनको ड्रग्स के साथ पकड़ा है। हीरोइन उनसे रिकवर्ड हुई है और उनसे जो है वो 45,000 से भी ज़्यादा जो है वो केश जो है वो रिकवर्ड हुआ है। मैं बता दूं, डोडा पुलिस के मुताबिक ये जो उन्होंने जो कंटिन्यूस ड्राइव रखी है जो ड्रग्स पेडलर्स के खिलाफ, उस सिलसिले में जो है वो डोडा टाउन में जो है वो एक हस्बैंड वाइफ जो है उसको पकड़ा गया और उनके साथ जो है बहुत सारा केस जो है वो पकड़ा गया। और ये जो कार्रवाई है, एक इंफॉर्मेशन जो मिली थी पुलिस को जिसमें बताया गया है कि जो एक्यूज जुनेद क्यूम, सनाफ अब्दुल क्यूम और उसकी बीवी शाफिया तबस्सुम, जो कि न्यू बस स्टैंड डोडा के पास रहने वाले हैं और रिनोन ड्रग पेडलर्स है, और ये जो है वो डोडा में जो है वो ड्रग सेल भी करते थे और जो नौजवान वहाँ के थे उनको ड्रग एडिक्शन में जो है वो इन्वॉल्व करते थे, इसलिए जो है वो पुलिस ने इनको ड्रग्स और जो केश है 45,460 रुपये उसके साथ जो है वो पकड़ा, जो ये ड्रग्स सेल करते थे उसका ये केश था। मैं बता दूँ कि जो ये कार्रवाई जो है वो पुलिस ने PSI जो रोशन लाल थे पुलिस स्टेशन डोडा के, उनकी जो है वो उन्होंने जो है इनको अप्रिहेंड किया और ये जो सारा जो ऑपरेशन है वो जो है अंदर इंस्पेक्टर पदम देव सिंह जो कि SHO पुलिस स्टेशन डोडा है, श्री अजय आनंद DYSP हेडक्वार्टर डोडा, और ओवरऑल सुपरविजन इसमें जो थी जावेद इकबाल साहब SSP डोडा, इनकी जो है वो निगरानी में ये सारा ऑपरेशन हुआ। और इस सिलसिले में पुलिस ने जो है वो FIR नंबर 51/2024 अंडर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ NDPS एक्ट जो है वो पुलिस स्टेशन डोडा में जो है वो रजिस्टर की, और डोडा पुलिस ने लोगों से जो है वो अपील की है कि वो कॉपरेट करे पुलिस से और इनपुट्स दे, जिसकी वजह से जो है वो ड्रग पेडलर्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई जो है वो अमल में लाए। मैं बता दूं कि किश्तवाड़ पुलिस ने भी जो है वो कल दो जो एडिक्ट हैं उनको जो है वो हरगड़ी एरिया से जो है वो कल पकड़ा था और आज उनको जो है वो इस्तगासा किया गया है तहसीलदार के पास, और अब उन वो जो है वो अब हाजिर जो है वो रहेंगे और उनको जो है वो रिहेबिलिटेशन के भी जो है उनके प्लान जो है वो चल रहे हैं और उनकी फैमिली के साथ डिस्कस करके जो है उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। हालांकि पुलिस ने जो है वो उनके नाम जो है वो जाहिर नहीं किए, लेकिन हम लोगों से अपील करते हैं कि वो अपने बच्चों की तरफ जो है वो ध्यान दें, माँ बाप जो है अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, खास तौर पर जो बच्चे यंग एज में एम्प्लॉय लगे हैं उनकी तरफ ध्यान दें। और मैं बता दूँ कि जो ये जो कल जो कार्रवाई हुई थी उसमें एक शख्स जो है वो एम्प्लॉय भी है जो हमें बताया गया है, और मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो जो है अपने बच्चों को देखें, खास तौर पर एम्प्लॉय जो है, और जो हरगड़ी के पास के एरिया के लोग रहने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने घरों के बाहर जो है वो CCTV कैमरा लगाए। पुलिस भी जो है वो जगह जगह हिडन CCTV कैमराज लगाए। हरगड़ी एरिया जो है वो हमारा एक फॉरेस्ट एरिया है, एक अच्छी जगह है, टूरिस्ट स्पॉट है, उसको जो है वो प्रिजर्व करना जो है वो हमारा काम है। हमने पिछले दिनों दिखाया था कि किस तरह से ड्रग पेडलर्स ने जो है वो वहाँ पर आग लगाकर जंगल को जलाने की कोशिश भी की थी। मैं ये बता दूं कि कुछ लोग हमें बेवकूफ़ बताते हैं, कुछ हमें नादान बताते हैं, कुछ हमें ब्लैकमेलर बताते हैं कि हम जो है वो चोरियों की CCTV फुटेज चलाते हैं, चोरियों की फुटेज चलाते हैं, हम ड्रग अवेयरनेस करते हैं। लेकिन मैं उन सामाजिक ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं जो समाज के ठेकेदार हैं और मज़हब के ठेकेदार हैं, जो यहां पर मज़हब के ठेकेदार बन बैठे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं? उनसे भी जो है वो लोगों को तवक्का है, और उनसे ज़्यादा तवक्का है कि जो मज़हब के हमारे ठेकेदार जो है वो अपनी अपनी जगह जो है वो इसके बारे में जो है ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस करें। जो चोरियाँ हो रही है, आज माह रमज़ान है, माह रमज़ान में भी चोरियाँ हो रही है, कल भी हमने देखा कि किस तरह से एक शख्स है उसका जो है वो जेब काट लिया गया था। हमारे पास एक फुटेज किस तरह से जामिया मस्जिद में जो है वो एक बंदा जो है वो जूते चोरियां करता है दिखाई दे रहा है। हमारे पास लगातार मेरे पोस्टों पर कमेंट्स आ रही हैं कि जो कोई एक लिख रहा है मेरा जूता चोरी हो रहा है, कोई एक लिख रहा है मेरे चप्पल चोरी लिख रहा है, कोई मुझे बता रहा है तीन बार मेरा जूता जो है वो चोरी हुआ। मैं सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो हम लोगों को टारगेट करते हैं, मीडिया को नादान बोलते हैं, मीडिया को ब्लैकमेलर बोलते हैं, हम बेवकूफ़ भी है, हम सब कुछ है, लेकिन आप लोग अकलमंद है क्योंकि आप समाज और मज़हब को जो है वो चलाते हैं और मज़हब को देखते हैं। क्या ये रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ आसिफ नायक पर ही या आसिफ नायक जैसे बाकी जो मीडिया वाले लोग हैं उन पर ही है कि वो ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस करते हैं? और आज जिस तरह से ये डोडा में हस्बैंड वाइफ पकड़े गए, कल हरगड़ी में जो है वो दो नौजवान पकड़े गए जो ड्रग्स कर रहे थे,
क्या ये सिर्फ रिस्पांसिबिलिटी हमारी है कि हम लोगों को इसके बारे में बताएं? क्या हम ये नहीं बता हमारे मजहब के जो ठेकेदार हैं, जो मजहब से वाबस्ता रखने वाले लोग हैं, जो मंदिरों में एड्रेस करते हैं, मस्जिदों में एड्रेस करते हैं, गुरुद्वारों में एड्रेस करते हैं, चर्चेज में लेक्चर देते हैं, क्या उन पर यह फर्ज नहीं बनता है कि वो ड्रग्स के बारे में और जो यहाँ पर ड्रग्स की वबा फैल रही है उसके बारे में जो है वो लोगों को बताए, और जो ये आज माह रमजान में चोरियाँ हो रही हैं इसके बारे में बताए? मुझे मंजूर है लोग मुझे ब्लैकमेलर कहे, नादान कहे, बेवकूफ़ कहे, हम इसके लिए तैयार है, लेकिन हमारी जदोजहद जो ये ड्रग्स के खिलाफ है ये जारी रहेगी। हमें आपका साथ चाहिए, पुलिस को आपका साथ चाहिए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।